तब शुरू होती है जब समय खुद बच्चा था, बस पैदा ही हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच जब महासागर का मंथन हुआ, उसमें से कई अलौकिक चीजें निकली, जिनमें से एक था अमृत। सारे तत्वों को देवताओं ने ब्रह्मांड के कोने कोने में छिपा दिया, पर अमृत को छिपाने के लिए उन्होंने चुनी पृथ्वी। अमर होने का ये रहस्य अगर किसी असुर के हाथ लग जाता तो सृष्टि का विनाश तो निश्चित था। इसी तबाही को रोकने के लिए देवताओं को जरूरत थी एक ऐसे वीर योद्धा की जो अपनी जान से अमृत की द्रोण की रक्षा करता। पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा इंसान था। राजाओं में महाराज, वीरों में महावीर, सर्वगुण संपन्न महाराज अधिराज वीरभद्र। देवताओं ने महाराज के द्रोण अभिषेक की जिम्मेदारी दूर पहाड़ों में रहने वाले महर्षि धर्म को सौंप दी। महाराज के हाथ पर एक दिव्य कड़ा बांधकर महर्षि ने उन्हें और उनके आने वाले कुल को अद्भुत बल का वरदान दिया। पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर महाराज ने यह वचन लिया। और तब से लेकर आज तक महाराज के कुल का हर राजा जो अमृत के द्रोण की रक्षा करता आया है कहलाता है द्रोणा। प्यो बने फिरदा, पता नहीं किस गटर से उठाकर इस मुसीबत को मेरे गले मर दिया है। क्या कर रही हो तुम? इससे तो अच्छा आप कोई कुत्ता बिल्ली उठाकर ले आते, कम से कम मेरा राजा पुत्र उससे खेलता तो सही। कंट्रोल योरसेल्फ। इस मोए का तो साया भी नहीं पड़ने देना मैंने अपने रॉजर पर। अंकिल, अंकिल, ये देखिए विंड में उड़ उड़ के आदि के पास ये क्या आ गया।
क्या हुआ अंकल? देखिए ब्लू है, पर उसे ब्लू तो नहीं होते ना? नहीं तो इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखना। तुम नहीं जानते आदि, हम सबसे कितने अलग हो तुम। अलग? क्योंकि राजेश भैया की तरह मेरी कोई मम्मी नहीं है, है ना? आदि, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा इस पेटल की तरह तुम भी बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। राजेश, रोजर, जाओ, मामा ने कहा है बाहर से सामान लेके आओ। कम ऑन, गेट लॉस्ट। ओए स्लो मोशन की औलाद, तूने बाहर ट्रक से सामान नहीं निकाला है? काम चोर कहीं का, जा जाके सामान उठा। मम्मा मेरे सर में भी तेल लगा दो। चल, आओ चल मेरे बच्चा। Hi, Jack. Hey. You need some help, kid? No, I'm okay, thanks. Then I'll go and get myself some beer then. Okay. चलती है कभी शर्मा के बच के निकलती है, कभी छुप छुप के बुलाती है, कभी मिलती है तो सबको बताती है। तुझको क्या हुआ है? रास्ते में वो खुशी जो करती रही हमसे अब तक दिल लगी, हमको मिल गई। रास्ते में वो खुशी जो करती रही हमसे अब तक दिल लगी। जाएगी
कहने लगी कल शायद मिल जाऊं फिर, पर अभी तो मैं चली। हमको मिल गई रास्ते में वो खुशी जो करती रही हमसे अब तक दिल लगी। हमको मिल गई रास्ते में वो खुशी, ये तो पूछिए कैसे मिली कहाँ पे मिली फिर कब मिलेगी खुशी। मैंने तो पूरा अमाउंट दिया था डूड। इसे हमारी लास्ट वार्निंग समझो। ओके। माइटी का पेशेंस अब खत्म हो रहा है। हे 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 गाइस 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 इजी 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 लिसन अप। पोकर में तुमने आज तक जितना हारा है कल तक हमें लौटा देना, वरना ये तुम्हें और तुम्हारे स्टोर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। कॉम्प्रेंडे? या ओके बाय राजेश। वो इट्स राजा। व्हाट राजेश? हां, और तुम्हें बीच मारने को बोला किसने था? इन दोनों को तो मैं अभी पीटने ही वाला था। कम ऑन मूव इट नाउ। मम्मा मैं साडे रोजर के लाख मना करने पर भी तेरे लोफर गुंडे दोस्तों की मजाल कैसे हुई कल रात मेरी दुकान में घुसाने की? हैं आंटी मैं तो ओए चुप रह, बोलती कम हूं देखती ज्यादा हूं, उन जा भी। मम्मा मैं तो आज तक इसे फ्री का नौकर समझ के सहती आई। हाँ मम्मा ये तो दिन पर दिन इसकी मजाल बढ़ती जा रही है। हाय हाय मम्मा चलो यहाँ से। हाँ। मैं बताता हूँ इसके और इसके गुंडे दोस्तों को। अकाउंट ठीक निकले लेकिन अगली बार कोई गड़बड़ देखी ना मैंने तो यहाँ खड़े खड़े तेरा दी एंड कर दूंगी, समझ गया है? ट्रकी कहीं का
जान द्रोणा आज भी अपनी ताकत और पहचान से बेखबर थे। वहीं दुनिया के किसी कोने में रिज रायजादा नाम के एक जादूगर के भेस में एक असुर अमृत की प्यास में तड़प कर और भी खूंखार होता जा रहा था। आज तक की हमारी हर कारीगरी आपके सामने फीकी पड़ गई जनाब। करे हमारे हसीन अक्स, ये सारी तैयारियां, ये ईजाद, ये शोहरत, ये जादू फिजूल है। आप जैसा हसीन अक्स फिजूल है। हमारी और आपकी ये निकम्मी खूबसूरती जो पल भर में खाक हो जाए फिजूल है, फिजूल है। तब तक जब तक कि हम ना हो जाए, जब तक हमें वो अमृत मिल जाए तब तक हम और आप फिजूल है। फिजूल है। गुस्ताखी माफ। पता नहीं क्यों ये जालिम दिल है ना बार बार हमसे यही कह रहा है कि द्रोणा जिंदा है।
आज भी जिंदा यही कहीं है, आसपास 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 आसपास, बस एक बार हमें वो मिल जाए, उसके जरिए वो अमृत मिल जाए, फिर देखना हम और आप जैसे हजारों लाखों हमारे हसीन अक्स इस कायनात को नोच के अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। That should be good. And your bottle of wine. Thank you. Enjoy. Good night. Good night. And how are we today, Sister Anne? You tell me. Isn't it our Adi's birthday? You remember? Of course I do. Yeah, mate. But you haven't told us how you're celebrating. Celebrating? You've got to have it planned. It's your birthday. Yeah, I have a plan. I'm, The genius who has made you wait with bated breath for his next astonishing act. He, the one and only Riz Rizada, is finally coming to your town. I'm spending the day with my new best friend, Riz Rizada. Honest? No. Steve, can you do me a favor? Can you wash the front for me, please? Yeah, sure. Thanks. किसे पता था कि द्रोणा का यही मजाक कुछ ही देर में सच होने वाला था। Welcome. You want a golden seat? This way, please. Ay, Gurana. Ulish. Unta, unta. Savana, unta. Adurek, obilak. Unta, unta. Ay, sam amanis. Unta, unta. Ulish. The genius himself, Riz Rizada, will meet the chosen guest in person. Make way for the lucky few, please. जैसे सदियों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें भी नहीं मालूम।
बेशक झूठ कह रही थी वो हमसे, हम दोनों को मिलना ही था। आदिशा इस तरफ आइए। आदिशा दुश्मन को हार मानने का एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए, और अगर वो ना माने
say it, say it. Yeah. When I hit you. सुरक्षित है। कौन है आप और ये सब क्या है? आपकी जिंदगी, आपकी असली पहचान, वो जिंदगी जो है तो आपकी, पर जिसका अंदाजा हमने आपको कभी लगने नहीं दिया। अंदाजा? जिंदगी, हम कौन, कौन हम? Look, I just... हम जो ये मानते हैं, जो ये जानते हैं कि हमें इस दुनिया को, पूरी सृष्टि को तबाह होने से आप ही रोकेंगे, मेरे बाऊजी सरदार तेजबीर सिंह मजीठिया, और उनके बाद हम अलग अलग नाम से, अलग अलग भेस में कभी आपके सामने और कभी आपसे अनजान रहकर आपकी रक्षा करते आए हैं। बाऊजी का हुक्म था कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है उसे वैसी ही चलने दें, आपको इसका एहसास कभी ना हो कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। ना हम ये जानते थे कि वो असुर कौन है, ना वो जानता था कि आप आज भी जिंदा हैं। लेकिन जब से आपने ये कड़ा पहना है, सारी हवाएं अचानक बदलने लगी, जैसे उसे आपकी भनक लग गई हो। और उसका सामना करने के लिए हम सब तैयार होने लगे। हम उसे पहचान पाते या नहीं, वो आपको इस कड़े से जरूर पहचान लेता। और ये कड़ा हमें रिजरा ज्यादा तक ले गया। ये कड़ा तो एक इशारा है सर। सृष्टि के सर्वनाश को अगर कोई रोक सकता है, रिज रायजादा को अगर कोई तबाह कर सकता है, तो वो आप हैं आदिसा। आज आपको वो बनना होगा जो आपकी असली पहचान है, द्रोणा। द्रोणा, मुझे ना है ना अमर होना है। हाँ, तुम देखना मुझे है ना वो अमृत जरूर मिलेगा। हाँ, मिलेगा नहीं मिलेगा ना द्रोणा, ना अमृत। मिलेगा ना, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, द्रोणा भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा। मेरा है ना बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, वो इस बार जरूर ढूंढ के लाएंगे। पक्का 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 ना पक्का पक्का पक्का। जमाने भर की जिन ताकतों को समेट कर आप लोगों को बनाया है, आज उन्हें आजमाने का वक्त आ गया। कौन द्रोणा? कैसा द्रोणा? मैं किसे प्रोटेक्ट करूंगा? आप सबको गलत आदिसा। लुक प्लीज, मुझे जाने दीजिए।
देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। घर तो आपको जाना ही है आदिशा, पर वो घर नहीं जिसे आज तक आप अपना समझते आए हैं। बाबूजी ने कहा था अब यहां से आगे जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलेंगे, प्रतापगढ़ की महारानी जयती देवी, आपकी मां। शुरुआत है सर। बाबूजी ने कहा था आप तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी ताकत बरसाएगा। क्यों, मैंने किया क्या? आपको अब तक यकीन नहीं होगा। Tak 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 tak
इंसान सबसे ज्यादा तब बौखलाता है जब उसे अपने अंदर की शक्ति का अंदाजा होने लगता है। इसी एहसास के साथ खुद की खोज में द्रोणा का सफर शुरू हुआ। याद है जिस दिन राजकुमार पैदा हुए थे, ऐसी एक कोयल इस झरोखे पर बैठ कूक रही थी और आज भी। Thank you.
महारानी सा कौर कहाँ है? दक्षिणी बैठक में है हुकुम, अकेले, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। बचपन में अपने घाव को छिपाने की आदत थी उन्हें, और आज भी अपने दर्द को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस मयान में आपको अपने पुरखों की वीर गाथाएं सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए, ये पोशाक उस युद्ध की दास्तान सुनाएगी जिसे हर द्रोणा ने अपनी जान पर खेल जीता। ध्यान से देखिए। जीता, अपने रिश्तों की कुर्बानी देकर युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, सब कहानियां लगती हैं, और इन कहानियों के बीच आप और हम। बहुत से सवाल। आपकी पुरखी सदियों से सागर मंथन की अमृत की रक्षा करती आई है, जिस अमृत का ठिकाना आज भी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल द्रोणा या उनकी संतान ही जान सकती है। बीतते समय के साथ न जाने कितने असुरों ने अपना रूप बदल बदल कर अमृत को पाने की कोशिश की, पर हर युग में हर द्रोणा ने हर बार हर असुर को मार गिराया। ऐसे ही एक असुर को हराकर जब आपके पिता लौट रहे थे, एक कुएं में से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक बच्चा उस कुएं में कैद था। तलवार फेंक द्रोणा उसे बचाने उतर गए, पर वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, किसी भयानक असुर का ही एक रूप था, रिज रायज़ादा। अपने छल से द्रोणा को कुएं की गहराई में गिराकर उसने अपने मंत्रों से उन पर पत्थरों की बरसात कर अंधेरे में उस कुएं में कैद द्रोणा की सांस घुटती गई, और 8 साल का वो बालक दिखता गया। आपके पिता के देहांत के बाद उनका कड़ा और अलौकिक तलवार गायब हो गए। हम डर गए, कहीं उस ससुर के हाथों ये लग जाते तो अनर्थ कोई नहीं रोक पाता। हम जानते थे कि अब रायज़ादा आपको लेने प्रतापगढ़ अवश्य आएगा। हमने तुरंत ही आपके पिता के सेनापति तेजवीर को बुलाया, उनसे वचन लिया कि वो आपको रायज़ादा के साए से कहीं दूर ले जाएंगे। कभी भी वो आपको आपकी सच्चाई का पता नहीं लगने देंगे। आपके जाने के बाद हमने महल के पश्चिमी हिस्से में आग लगा दी, नगर में ये घोषणा करवा दी कि उसी आग की लपेटों ने आपको हमसे छीन दिया। आपको न पाने की क्रोध में रायज़ादे ने अपने मंत्रों से महल को उजाड़ दिया। आप ही का एक खिलौना आकर हमारे माथे पर लगा। माथे के इस घाव के साथ 20 बरस हमने कभी महल में, कभी यहां आपके पूर्वजों की समाधियों के बीच बिता दी।
आपके पिता से प्रार्थना करते आपको कभी ममता की कमी ना हो। कड़ा और तलवार किसी दिव्य शक्ति ने ही सुरक्षित रखा था। इस कड़े की तरह तलवार भी अपनी द्रोणा को ढूंढ ही लेगी। आपके पिता का दान है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, मान रखिएगा। हरकत तो देखिए अमन, बरसों बाद मां और बेटे की पहली मुलाकात हो रही है। पर हम हैं कि गलत वक्त पे आ दमके। गुस्सा के कर बैठते और इस रायजादा कर दिया हमने महाराज। गुस्ताखी माफ, कभी कभी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वैसे आप जानते नहीं हैं इन्होंने कितना बड़ा छल किया हमारे साथ। आपकी मौत का झूठा यकीन दिला के इन्होंने हम दोनों को जुदा रखा। पता नहीं क्यों। और हम हैं कि सतियों भटकते रहे सिर्फ आपकी खोज में। इन्होंने इतना दुख दिया है हमें, लेकिन फिर भी हमारी कारीगरी देखिए आप, बिल्कुल ममता की मूर्त लग रही है। लगता भी बोल पड़ी। वैसे महाराज, इस बुत में फिर से जान फूंकने के लिए आप हमें मजबूर कर सकते हैं। कल सुबह यही मुलाकात करते हैं और आप हमें वो अमृत का राज सौंप दीजिए। हाँ, आप हमारा दिल रखिए महाराज, फिर देखिए हम कैसे अपना वादा निभाते। हमारी बात पे गौर कीजिएगा। रात भर
गौर कीजिएगा। आज तक मेरा अपना कुछ नहीं था सिवाय एक छोटी सी खिड़की के, और उस खिड़की में मुझे ढूंढते हुए आप। आज कुछ कहानियां मेरी जिंदगी बन गई, पर फिर भी कुछ नहीं। आज आप भी चुप हैं, क्यों? मुझे बस एक इशारा दे दीजिए, वो अमृत है कहां? मेरी मां मुझे लौटा दीजिए। Thank you.
बचपन से। बाबूजी ने सिर्फ एक ही चीज तो सिखाई थी मुझे, जिंदगी भर आपका साया बनकर रहना। जो भी रास्ता आप चुने हमेशा उस पर आपका साथ देना। पर विनाश के जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं उस पर मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। मुझे मेरे फर्ज से आजाद कीजिए। यहां से मुझे बस एक ही फर्ज नजर आ रहा है सोनिया, एक बेटे का अपनी मां के लिए। फरमाइश पे गौर किया महाराज। इस तकलीफ के लिए गुस्ताखी माफ, लाइए हमें दीजिए। सादगी में मारे गए आप, बिल्कुल अपने बाप की तरह। ये क्या महाराज, हमने तो चंद लम्हों की गुजारिश की थी, आपने तो दिल बहलाने का इंतजाम भी कर लिया। Ah!
सामने एक द्रोणा करेगा। याद करने की कोशिश करो सोनिया, तुम्हारे बाबूजी ने दानी के बारे में कुछ तो पता होगा। नहीं सा, ये तो एक रहस्य है जो सिर्फ एक द्रोणा जानते हैं। तानी का क्लू समझने में हम जितना वक्त लगाएंगे, रेस अमृत के उतना ही करीब पहुंचता जाएगा। क्षमा चाहती हूं सा, उस अन्य की पहेली को तो वह असुर पूछ ही नहीं सकता है। उरा सिर्फ वही खोल सकते हैं जिन्होंने उस अन्य पर उसे रचा हो। अन्य पर रचा हो? हाँ, बुंदेले हरबोलों की कथा गाथाओं में कई ऐसे कारीगरों की चर्चा है जिन्होंने सदियों से सृष्टि के सारे राज अपनी रचनाओं में संभाल के रखे हैं। इस अन्न का रहस्य भी शायद इन्हीं कारीगरों में से किसी एक की रचना है। चौथी चट्टान के बसंती चौखट के उस पार इन कारीगरों की नगरी है रासपुर। पर इस कहानी में सच कितना है और कितनी कल्पना है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर ये कहानी सच हुई और रासपुर कोई गया भी हो तो उसे अपनी अंतिम सांस तक उस रासपुर के रास को राज ही रखना होगा। कहते हैं बसंती चौखट को लांघने की हिम्मत जुटा पाना बहुत कठिन है, पर अगर यह चौखट कोई लांघ ले, मान लीजिए सारी गुत्थियों के समाधान उसके सामने हमेशा के लिए खुले। जो वहां जाना चाहे उसे खुद ही जाकर परखना होगा कि आखिर यह कथा सत्य है या मिथ्या। जिस इंसान की रग रग में कपट है उसे माया की इस नगरी के बारे में जरूर पता होगा। कैसे सच बन जाती है। चलें द्रोणा। नहीं सोनिया, तुम्हारा इस हालत में जाना ठीक नहीं रहेगा। और तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं है। आपकी हिफाजत करने में चुप गई, सजा दे रहे हैं ना। ये घाव तो भर जाएंगे पर शायद आपका भरोसा मैंने खो दिया। Thank you.
कहीं दूर से हरा के साए ने मचला था कोई तूफान, और एक मसीहा के आने का लिख के गया ऐलान रोना। अगर ये कहानी सच ना हुई तो पता करने का एक ही रास्ता है। खड़े हैं जी, हमें एक राज पता करना है। जंतु जनता जंगल जंगली, यहाँ तक कि जनार्दन भी इन्हीं गलियों में अपने राज खोजने आते हैं। रहस्यों की नगरी है राजपुर। पूछो, आपकी पहली किस में कैद है? पानी, पत्थर, पवन, पत्ते, पुरवाई या फिर पलकों पर? एक चावल के दाने पर। चावल? नमूनों में नमूने, मनुष्य ही महान नमूने। लो, कहाँ है चावल का दाना? जी वो हमारे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। तो उसके बिना तो आप यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। कोयल का हुआ कंकड़ कंगारू किस? नहीं है ना दाना और ना ही वक्त। ओए राजू, इन्हें जरा कानून वाली किताब तो दिखाना। कानून। कानून क्रमांक 1:3/6.45 के अनुसार चावल के दाने के बगैर राज जानना नामुमकिन। प्रिय प्रदेशी, अब प्रस्थान कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रहे। सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। सारे समझदारों की समझ हमेशा यही कहती है। अब आप प्रस्थान कीजिए। गोपी, लगभग 16,500 अमावस पहले हमारे किसी कारीगर ने ये कड़ा द्रोणा की दुविधा है तो गोपी की दुविधा। मगर क्या करूं, निराश हूं, हताश हूं, विवश हूं। दस्तक दूं भी तो किस द्वार पर?
यहाँ के हर दर दरवाजे पर हर राजदार का दरबान दुरुस्त है। इसका दरबान कौन है, कैसा है, कितना खतरनाक है, कोई नहीं जानता। आपके द्वार को पहचानने का सिर्फ एक ही जरिया है, चावल का वो दाना जो आपके पास नहीं है। कोई तो रास्ता होगा, कुछ भी रास्ता है, है रास्ता, मगर मैं आपको उस रास्ते पर नहीं भेज सकता। उस रास्ते पर आपको खतरे से रूबरू होना होगा। आप वापस चले जाइए, वापस। राज जाने बगैर वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। द्रोणा का द्वार द्रोणा को खुद ही ढूंढना होगा, परंतु गलत द्वार ढूंढने का दंड मृत्यु, केवल मृत्यु। रेस हमसे पहले यहां आ चुका है। सवार जगतपति हर बुराई का नाश करेंगे।
जगतपति यानी द्रोणा, द्रोणा यानी आप, पर ये घोड़ा देवदत्त, द्रोणा के घोड़े का नाम है मान्यका। सूखे अनंत रेगिस्तान के बीचों बीच एक अकेला ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो भागता है हवा से भी तेज। उसकी पहचान उसकी गर्दन पर बना एक राज चिन्ह, उसे अगर कोई पकड़ भी ले पर अपने काबू में नहीं कर सकता सिवाय द्रोणा के। इससे पहले कि ऋषि देवदत्त के पास पहुंच पाए हमें उसे ढूंढ निकलना होगा। चंद लम्हों में हजारों लाखों हमारे अक्ष है ना दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और हम है ना अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे चंद लम्हों। देवदत्त को कहीं आगे रखा। आप जाइए द्रोणा, इन्हें मैं देखती हूं। We'll be right back.
पूरा करना है। आप जाइए। अरे बगैर नहीं, देख तो। जिंदा है वो? तबड़क 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 तबड़। उस्ताखी माफ। द्रोणा तो वहीं जाएंगे जहां दे तो चले जाएगा। तबड़क तबड़क तबड़क। देवदत्त को तो एक ही रास्ता पता है, अमृत तक पहुंचने का रास्ता। तबड़क तबड़क। पलझिन पलझिन उलझी उलझी करे धड़कन धड़कन बिखरे बिखरे से चैना मिलो चली है गुमसुम ये खामोशी कितना भी समझाऊं मन भी माने ना तेरी बंदगी जीने ना जीने ना जीने ना तो तेरी बंदगी जीने ना जीने ना Thank you.
पहले से ही तय है। जैसे इन्हें अपनी द्रोणा का इंतजार हो। द्रोणा की परछाई कि इस पर एक सांस खोलेगा अमृत का दिव्य राज। परछाई द्रोणा की परछाई तुम। तुम्हारे बाबूजी तो कहते थे तुम्हें मेरा साया बनकर रहना होगा। और अब ये पहली हमसे कह रही है, यहां हर कड़ी की तरह हम दोनों की जिंदगी भी एक दूसरे से बंधी हुई है। बंदगी दिन ढलते ढलते कह जाए कभी मुझसे वो रास्ता क्यों पूछे जो रूठा है तुझसे। छुप छुप कर कहते हैं मुझसे ये अरमान, दिल की सुन ले कर ले खुद पर ये एहसान। इस वाग में जो मैं पिघलूं अगर से मिला सकूं ना मैं नजर फिर शायद तेरी बंदगी। जीना 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 तेरी बंदगी। जीना जीना तेरी और आज खुद से हार गया।
शर्म आ रही होगी आपको मुझ पर। द्रोणा को ढूंढ ही लेगी। ये तलवार उस द्रोणा की है जो अपने बल से ही नहीं अपने मन से भी वीर हो, जिसका निश्चय उसकी शक्ति की तरह दृढ़ हो, जो केवल जन्म से नहीं अपने कर्मों से भी संपूर्ण द्रोणा हो। हर कर्म हर फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है मैंने, लेकिन फिर भी भय का एक बीज तुम्हारी अनंत शक्ति को खोखला कर गया। वही भय आज तुम्हारे और उस तलवार के बीच की दूरी बन गया है। अब या तो तुम यहां से उल्टे कदम लौटकर सृष्टि का सर्वनाश होते हुए देखो, या फिर अपने भय को मात देकर उस तलवार को जीतकर द्रोणा बनकर सृष्टि की रक्षा करो। निर्णय तुम्हारा है,
केवल तुम्हारा। अंधेरे में उस कुएं में कैद द्रोणा की सांस घुटती गई। सितारे गायब हो जाए, चाहे सूरज अपने ताप से जल जाए, चाहे धरती अपने बोझ से मर जाए, मैं और मेरी आने वाली हर नस्ल हर बार अपने खून के हर कतरे से अमृत के द्रोण की रक्षा करेगी। शो हवास को इन अंधेरों के हवाले कर दीजिए मोहतरमा। अगर हम आम इंसान होते तो हमारी नीयत खराब हो जाती।
गुस्ताखी माफ। द्रोणा की परछाई की इस पर एक सांस। खुल जाएगा अमृत का दिव्य राज। मोहतरमा एक आखिरी मेहरबानी कीजिए ना, चंद सांसें अपनी इस पे उधार दे दीजिए ना। इस भूमि पर चल के अमृत तब इस बंजर के
गर्भ से छलके कभी कभी दूर से चीजें बहुत साफ दिखाई देती है रिश्ता अपने खून से रास्ता दिखाने आया है द्रोणा गुस्ताखी माफ जनाब आप अंदाजा भी नहीं ला सकते कि कितने खुश हैं हम आज आपसे मिलके मिलना तो हमें था ही रिजराय ज्यादा रिश्ता ही कुछ ऐसा है छूटता नहीं का बोझ कंधे पे उठाए दिशाहीन एक बदबख्त नजरों का धोखा है संभल कर तुम्हें तो आप अपना अंत भी देखना है उस्ताखी माफ हम यहां इतिहास बदलने चले और आप हैं कि हमारी नजरों में डूबने लगे शायर साहब मुकर्रर मुकर्रर इतिहास वो क्या बदलेगा जिसका भविष्य ही नहीं रहा मंत्रों की आड़ में बहुत छिप लिए रिस रही सदा Yeah.
फतेह हासिल करना। पिता का दान है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, मान रखिएगा। की बुराई पर उजाल होगी, अंधेरों पर और इसी तरह फिर एक बार द्रोणा ने एक खूंखार असुर को हराकर पूरी सृष्टि, हमारी पृथ्वी और हम सब की रक्षा की। लीजिए, आपको कहानी सुननी थी सो हमने सुना दी, अब आप एक अच्छे कुंवर की तरह सो जाइए। हमको फिर से कहानी सुननी है। कितनी बार सुनेंगे आप वही कहानी? तब तो हम भी बड़े होकर द्रोणा बनेंगे, है ना? क्यों नहीं दादी?
पर इसके लिए आपको अपनी दादी की बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? चलें।